नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कुछ सीरीज दी थी जिनके बीच सर्वांतर अपना बराबर चल रहा था और उनका अपन ने योग निकालना सीखा था। ठीक है दोस्तों, आज अपन उसके आगे पढ़ते हैं योग कैसे निकालना। और कल के चैप्टर में अपन क्या पढ़ चुके थे, संख्या निकालने पर चुके थे, कुछ संख्या दी उनका योग दिया है तो अपन ने बीच वाली संख्या निकालना सीखा था, सबसे छोटी सबसे बड़ी या जिस नंबर की वो संख्या अपन से पूछे थे वो संख्या अपन निकालना सीख चुके थे। आज अपन उसके आगे बढ़ते हैं, अपने आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज अपन कल अपन ने सीरीज दी थी जब वो सीधे नंबर्स में थे तो वही उन्हें कहा आज क्या रहेगा, उन्हीं संख्याओं का योग वर्ग दिया जाएगा तो अपन उनका योग निकालना या घन दिया जाएगा उनका योग निकालना, तो वो कैसे अपन निकालते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + करके अपना 80 का स्क्वायर, ठीक है, का योग ज्ञात करो, का योग अपन को निकालना है। एक सीरीज दी अपन को 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर का अपन को योग निकालना है। अभी तक क्या देते थे 1 + 2 या 1, 2, 3 करके 80 तक योग, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसको निकालने का, क्या पढ़ा था, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बचे 2 × n। अब मैं अपन को उन्हीं संख्याओं को वर्ग करना और फिर उनका योग निकालना, तो अपन कैसे निकालते हैं। इसके लिए जहां फॉर्मूला होता है, जब पहले 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, योग बराबर n सेकंड ब्रैकेट में n+1 2n+1/6। पर इसमें एक क्या चीज अपन को ध्यान रखनी है, स्टार्ट कहां से होता है, हमेशा 1 से लेकर n तक दी होगी तभी अपन इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले मान अपन को यहां कब रखना, जब अपन 1 से लेकर n तक निकाले, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 100 तक, जैसे अपन निकाल ले 1 से 80 तक, मतलब 50 तक, तो क्या है जो लास्ट संख्या है वो अपनी क्या हो जाएगी, n का मान। पर पहली संख्या कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। तो अपन इस वाले क्वेश्चन में रख के देखते हैं आंसर निकालते हैं क्या है। 1 से लेकर 80 तक के वर्गों का योग अपन को निकालना है, वर्गों का योग, वर्गों का योग अपन को निकालना है 1 से लेकर 80 तक। n का मान अपना क्या हो जाएगा, 80। रखते हैं क्वेश्चन में 80 × 80 + 1, सेकंड में 2 × 80 + 1/6, यहाँ क्या हो जाएगा 80 × 80 + 1 81 × 1 हो जाएगा 161/6। कैंसिल करते हैं इसको 2 से 40 बार 2 से 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करते कितना बार हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 3 × 7 = 21 इनका अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई 40 × 27 × 161, 27 × 161 में करते हैं कितना आएगा, 40 में से लेंगे 27 का 61 27 एकम 27 हासिल 27 27 हासिल 2, 27 × 6 में करेंगे तो कितना आएगा 162 की 4 हासिल 16, ठीक है, 27 × 27 = 43, ठीक है। ये अपना आ गया, अपन किसका 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 × 28 = 8 + 2 × 4 = 16 × 18 + 1 = 1 + 1 = 17 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपन ने क्या 1 से लेकर n तक दिया तो अपन ने डायरेक्ट n का मान रख दिया, अगर अपन को ऐसा ना दिया हो क्वेश्चन में कैसे दिया हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 20 का स्क्वायर + 21 का स्क्वायर + 22 करके अपन को एक सीरीज दिए, कहां तक दिए 70 का स्क्वायर तक, इसका अपन को योग निकालना है का योग, तो कैसे करेंगे, अपने पास फॉर्मूला है 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन स्टार्ट कहां से है 20 से, तो अपन इसको कैसे करेंगे 1 से बनाने की कोशिश करेंगे कि सीरीज बन जाए 1 से लेकर n तक की, क्या करेंगे 20 से लेकर 70 तक है बना, अपन इसको लिख सकते 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 = 70, ऐसा अपन लिख सकते इसको, लेकिन क्या इसमें 1 से लेकर 19 तक की संख्याएं अपनी जुड़ गई है, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको अलग कैसे करेंगे, 1 से लेकर 70 तक तो अपन ने लिख दिया 70 तक आ गया, फिर क्या है 1 से लेकर 19 तक है अपन इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा, तो अपन को 20 से लेकर 70 तक संख्याओं का योग मिल जाएगा, 1 से लेकर 70 तक निकाली
फिर उसमें से अपन 1 से लेके 19 तक घटा दें वर्गों का योग, तो अपन को 20 से लेके 70 तक संख्या मिल जाएगी। अब देख क्या होगी, 1 सीरीज 1 से लेके 70 तक, यहाँ एन का मान क्या हो जाएगा 70। जी एक सीरीज बनेगी 1 से लेके 19 तक, एन का मान क्या हो जाएगा 19। एक ही फॉर्मूले को अपन दो बार रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। धक्के देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 70 × 70 प्लस एक क्या हो जाएगा 71, और 70 पे रखेंगे 2n+1, 70 × 40 और 141। ठीक है, अपॉन में क्या आता है अपना 6 माइनस, इसमें रखेंगे यहाँ पे n का मान कितना है अपना 19, n का मान 19, 19 + 1 = 20, 19 × 2 = 38 और 39 अपॉन 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 3 बार ये 35 बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 30 × 8 = 21। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पे 35 × 71 × 47 माइनस, यहाँ पे कैसे करेगा 30 × 8 = 21, 3 × 2 = 6 अब ये करेगा। ठीक है, इसका इनका गुणा कर लू 19 × 7 × 39 / 2। ठीक है, नहीं 20 आ रहे हैं यहाँ पे, 21 नहीं 20, यानी प्लस 19 + 1 = 20, तो 3 बार कट जाएगा ये 10 बार, 3 से ये कट जाएगा 13 बार। ठीक है, कि अब इसका अपन मल्टीप्लाई है 35 का इसमें गुणा करेंगे, 35 एकम 35 हासिल 3, 35 के बाद 7 ना करेंगे कितनी बार आएगा 30 × 7 = 21, 21 और 5 = 35, 245 हासिल कितनी आई 3, हासिल आई 3 तो 248। ठीक है, 35 एकम 35 × 5 हासिल 3, 35 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 245 × 3 = 48 × 47। ठीक है, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 117 = 7 हासिल लगाई 11 × 13 = 13 14 = 24 24 70। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा अपना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा अपना 11 67 95 11 67 95, 37 का इसमें गुणा करेंगे क्या जाएगा 11 67 95 माइनस 24 70। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11 43 25। ठीक है, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपन को दी है कोई एक सीरीज, जैसे दी है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ……… करके अपन को एक सीरीज दी है 90 का क्यूब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को, अभी स्क्वायर दे रहे थे, क्या दे रहे हैं अपन को, क्यू दे रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन लोग, उनका क्यू का यू निकालना है। क्यू का यू क्या होता है, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। यहाँ भी अपन को क्या करना है, 1 से लेकर n तक ले, n क्या हो जाएगा इतनी लास्ट संख्या, सीरीज अपनी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, जब भी अपने फॉर्मूले को रख सकते, क्या होता है योग बराबर n n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें रख के देखते हैं, क्या यहाँ पे n का मान अपने कितना दिया 90, यहाँ n अपना क्या हो जाएगी लास्ट संख्या क्या है 90, तो n का मान 90 इसमें रखते हैं, 90 90 + 1 = 91 / 2 का स्क्वायर काटते हैं तो 45 × 91 का स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 45 × 90 में गुणा करेंगे तो 91 × 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 455 हासिल 5 45। ठीक है, 91 × 4 में करेंगे कितना आएगा 364 हासिल अपन को कितनी लगानी
45 तो कितना हो जाएगा 409, 495 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 495 का स्क्वायर क्या होता है 16 76 90 25। अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 76 90 25 अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन इसको स्क्वायर करें दो बार इसका गुणा करके देख लेंगे तो अपन बोल जाए 16 76 90 25। ठीक है, या फिर इसका अपन कैसे कर सकते हैं गुणा, जब 5 बाई सी देते क्या करते हैं पीछे वाले का स्क्वायर कर दे 5 का स्क्वायर 25 और 409 410 अपन कर लेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस .. कहां तक दिए अपन को सीरीज 60 का क्यूब तक। अब इसमें क्या है, अभी अपन क्या फॉर्मूला है अपने पास एक से लेकर एन तक का, अब इसमें फिर एक से लेकर एन तक अपन को नहीं दिया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसको एक से बनाने की कोशिश करेंगे, सीरीज को ऐसा बना देंगे कि अपन को एक से लेकर कोई सीरीज मिल जाए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस .. 60 का क्यूब अपन इसको लिख सकते हैं। पर क्या है इसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का क्यूब ऐड हो गया तो अपन उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस .. 14 का क्यूब अपन माइनस कर देंगे तो अपन क्या मिल जाएगी सीरीज 15 से लेकर 60 तक अपन को मिल जाएगी। और अपन फॉर्मूला रख सकते हैं, एक बार इसमें रखेंगे 1 से 60 तक में एन का मान 60 लेके, एक बार इसमें रखेंगे एन का मान 14 लेके, रखते हैं ये एन का मान 60 है और यहाँ पे एन का मान 14 है तो रखते हैं एन का मान 60, एन प्लस वन क्या हो जाएगा 60 प्लस 1 61 बचे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा एन का मान 14 14 1 15 बचे 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितनी बार कर जाएगा 30 बार 30 × 61 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 15 15 7 105 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर कितने आएंगे 30 × 61 करेंगे तो क्या आ जाएगा, करते हैं 3 × 3 = 18 18 × 30 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देखा 30 का स्क्वायर क्या आता है अपना 33 48 900, ये अपना आ जाएगा 33 48 900। 105 का स्क्वायर क्या आएगा 5 का 25 और 11 × 10 करेंगे तो कितना आएगा अपना 110 11 0 25। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0 में से 5 माइनस हो क्या बचेगा अपना 5, 2 में से 2 जाएंगे 7, 8 में से 0 जाएगा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, 4 में से 1 माइनस तो 3 3 3। अपन को लास्ट में योग मिल जाएगा 15 से लेकर 60 तक की संख्याओं के घनों का योग मिल गया अपन को 33 37 87 5। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है अपन को बस सीरीज में ध्यान रखना है कि सीरीज अपनी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो अपन क्या करेंगे जहां से भी स्टार्ट हो रही है उसको लेके 1 से लेके लास्ट वाली संख्या 60 तक और घटाएंगे कितना जस्ट एक पहली बारी घटा देंगे 1 से लेकर उतनी देर 15 तक है तो घटाएंगे कितनी 1 से लेकर 14 तक क्योंकि 15 तो अपन को ऐड करना ही है उसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार फॉर्मूले को रख के हल कर लेते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं, अगर अपन को दिया सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के तो अपन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है अपने पास जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस .. पूरी एक सीरीज दी है अपन को 20 का स्क्वायर तक। ठीक है, इसको अपन का योग निकालना है का योग, और अपन इसको देखा पहले क्या है 2 का स्क्वायर देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 6, मतलब अपन को सम संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं तो अपन इसको कैसे करेंगे सम संख्याओं के स्क्वायर कैसे करें 1 से लेकर इसमें भी क्या 1 से लेकर n तक की सम हो या विषम संख्याओं का योग अपन 1 से लेकर दिए पर क्या है विषम तो अपनी क्या से 1 से स्टार्ट हो जाती पर सम है अपन की 2 से स्टार्ट होती है, जब भी अगर अपन सम का निकालें तो अपन को 2 से लेना और विषम का निकालेंगे तो अपन को हमेशा सीरीज को 1 से बनाना कैसे करें लेकिन इसमें क्या है स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित है
सम के लिए एक से होगी, सम एक होती नहीं है, दो होती सम पहले, दो से अपने स्टार्ट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन सिक्स, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन सिक्स। एन का मान क्या रहेगा, जो लास्ट संख्या अपन को दी है वो अपन एन का मान हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट संख्या क्या दी है, बीस, तो एन का मान क्या हो जाएगा अपने लिए बीस। रखते हैं इसमें मान बीस इंटू बीस प्लस एक इक्कीस, बीस प्लस दो बाईस अपॉन सिक्स। कैंसिल करेंगे, तीन दूनी छह, तीस आते इक्कीस, दो से दस बार। सब गुणा करते कितना आ जाएगा, दो सौ बीस गुणा सात, सात दूनी चौदह की चार, वहां से लगाए एक, साढ़े चौदह एक पंद्रह और दस का एक जीरो, तो क्या आएगा अपने पंद्रह सौ चालीस, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करने पर ध्यान रखना अपना सीरीज कहां से होनी चाहिए, विषम के लिए एक से और सम के लिए अपनी दो से सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंद्रह का स्क्वायर प्लस सत्रह का स्क्वायर, पंद्रह का स्क्वायर प्लस सत्रह का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके ऐसे अपन को दिया है, सैंतीस का स्क्वायर का अपन को दिया है, ठीक है। इसमें क्या है अपन को देखने से पता चल रहा है संख्याएं कैसी है अपनी, विषम है। पंद्रह अपनी कैसी है, विषम, दो से नहीं करती, सत्रह विषम, ऐसी सैंतीस भी क्या है अपनी विषम है। तो विषम के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अपना वही है, एक से लेकर एन तक की सम विषम संख्याओं का, पर क्या है ये फॉर्मूला, एक से लेकर एन तक है, अपन संख्या कहां से दी है, पंद्रह से लेकर सैंतीस तक, मतलब एक से लेकर नहीं दी है, तो उसकी सीरीज बनाएंगे पहले एक से स्टार्ट करके, एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सैंतीस का स्क्वायर, जो अपन ने सीरीज बना दी, ठीक है। अपन इसमें अपन ने देखा कि अपने एक से लेकर तेरह तक की विषम संख्याएं भी एड हो रही है, तो क्या करेंगे अपन उनको माइनस कर देंगे, एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 तेरह का स्क्वायर अपन माइनस अगर कर देते हैं तो अपन कहां मिल जाएगी, पंद्रह जगह सैंतीस तक अपन पहुंच जाएंगे, यहाँ प्लस रहेंगे वो यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगी अपन को पंद्रह सैंतीस, अपना फॉर्मूला भी दोनों में लग जाएगा। यहाँ एन का मान कितना है सैतीस, और यहाँ एन का मान तीन, रखते हैं सैतीस, सैतीस प्लस एक अड़तीस और सैतीस प्लस दो उनतालीस बचे छह, यहाँ पे क्या होगा तेरह, तेरह प्लस एक चौदह और तेरह प्लस दो पंद्रह बटे छह। कैंसिल करते हैं तेरह बार दो बार तीन से, तेरह तीन उनतालीस, तीन दूनी छह, दो से यहाँ पे उन्नीस बार, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करते हैं सात दो तीन तीन पांच पंद्रह, गुणा करते हैं उन्नीस का सात का गुणा होगा क्या होगा, उन्नीस पंचे पंचानवे, उन्नीस छक्का एक सौ चौदह, उन्नीस सत्ते एक सौ तैतीस, कितनी हासिल तेरह, उन्नीस तीन संतावन, तेरह जोड़े कितना हो जाएगा सत्तर इंटू तेरह माइनस का गुणा करते हैं पांच, तेरह सत्ते इक्यानवे इंटू पांच, तेरह का इसमें गुणा करें क्या आएगा तेरह तीन उनतालीस की नौ हासिल तीन, तेरह का जीरो में जीरो तीन हासिल की तीन, तेरह सत्ते इक्यानवे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा पांच एकम पांच, पांच नाम पैंतालीस, माइनस करेंगे इसको नौ में से पांच माइनस चार, तेरह में से पांच माइनस आठ, दस में से चार माइनस छह, और यहाँ कितना बचेगा आठ, तो अपन को ये मिल जाएगा एट सिक्स एट फोर, ठीक है। अपन ने बीस से भी निकालना सीख लिया और क्रम से दी हो, मतलब एक या दो से दी हो तो भी अपन ने निकालना सीख लिया है। ये है वर्गो का एक पर सम या विषम दी हो जाए, अपन ने नॉर्मल सीरीज में ही पढ़ लिया, मतलब एक से स्टार है तो भी वर्ग भी घन भी, अब अपन ने सम और विषम के भी पढ़ लिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या है, अपन को अब इकाई अंक निकालना ज्ञात करना, इकाई अंक किस संख्या में अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इकाई के अंक के लिए तरीका क्या है देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है अपन को, नॉर्मली क्वेश्चन दिया है कोई सात सौ छप्पन इंटू नौ सौ अड़तीस इंटू आठ सौ बहत्तर, ऐसे कोई नंबर्स की सीरीज दी है अपन को, मल्टीप्लाई में दिए हैं वो, अपन को क्या निकालना है इकाई अंक निकालना है, इतने बड़े अंकों का अपन गुणा डायरेक्ट करेंगे नहीं, अपन को सिर्फ मतलब किससे इकाई अंक निकालने से, अपन को सिर्फ इकाई का मतलब पूरी संख्या अपन को कोई मतलब नहीं, क्या निकालना है क्या आएगा इसका आंसर, अपन को सिर्फ क्या हमने क्या पूछा, इस संख्या को जब गुणा करेंगे तो लास्ट में अपन आंसर मिलेगा उसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक कैसे आएगा, जब इकाई का गुणा इकाई में करेंगे तो इकाई अंक मिलता है, दहाई का दहाई में करेंगे दहाई अंक मिलता है, तो अपन मतलब इकाई अंक निकाल क्या करेंगे, सभी की इकाई अंक देखेंगे बस, ठीक है। इकाई अंक क्या पीछे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो इकाई अंक इसमें क्या है दो, इसमें आठ, इसमें छह, अपन ने दो का गुणा किया आठ में, दो अठे सोलह, सोलह आएगा, सोलह में भी दो अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा पहला वाला सोलह का छह,
अब छह का गुणा किस में करेंगे, छत्तीस छह में, तो क्या हो जाएगा छह छह छत्तीस, छत्तीस अपन ने लिख दिया। अब इसमें इकाई कांड अपना क्या है, छह छह अपना इकाई कांड हो जाएगा। एक बात देखिए, जब भी अपन से इकाई कांड पूछा जाए तो कितनी भी बड़ी संख्या अपन को सिर्फ क्या लेना, इकाई कांड लेना और उनका गुणा करना। दो अच्छे सोलह, सोलह का लिया छह, छह छह छत्तीस, छत्तीस में क्या है इकाई कांड, छह, तो अपना इकाई कांड हो गया छह। और देख लेते हैं ऐसे ये क्वेश्चन क्या जैसे दिया, छह सौ इकतीस इंटू दो सौ नवासी इंटू आठ सौ इकहत्तर इंटू चार सौ उनतीस इंटू सात सौ छियानवे। संख्या कितनी भी दे सकती, दो चार छह आठ दस, कितनी दे, अपन को सिर्फ इकाई का निकालना। तो क्या करेंगे अपन लोग, सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करेंगे। इसमें इकाई का क्या है, छह, इसमें नौ, इसमें एक, इसमें नौ और इसमें भी एक है। क्या करेंगे, छह का गुणा नौ में नौ छह चौवन, चौवन में क्या कैसे लिखते हैं, पांच और चार, तो अपन सिर्फ चार लेंगे, पांच को हटा देंगे। अब चार का गुणा करेंगे, चार एकम चार, एक ही संख्या है तो उसी को लेंगे, चार नाम छत्तीस, छत्तीस आया, छत्तीस में अपन छह लेंगे, छत्तीस एक में छह एकम छह, तो अपना इकाई कांड क्या आ गया, छह अपना आ जाएगा। कैसे किया, पीछे इसका ये छह ना चंगन की चंगन पांच और चार, तो चार ले लिया, पांच को हटा दिया, चार का गुणा एक में चार एकम चार, चार को भी लेना पड़ेगा, चार नाम छत्तीस, छत्तीस का अपन छह लेंगे, छह का आगे एकम बोला छह एकम छह, इकाई कांड मिल गया अपन को छह। पूरी संख्या गुणा करने से कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में क्या है, जैसे अगर कोई संख्या दी है अपन को, अभी तो अपन को दिए अलग अलग संख्या गुणा में, कैसे दिया, एक ही संख्या का कोई घात दिए अपन को, क्वेश्चन नंबर क्या है नौ, कोई एक संख्या दी जैसे पंद्रह सौ सत्तर, इसकी कोई अपन को एक पावर दे देंगे, दो चार दस या इससे भी ज्यादा जो अपन करना सके, तो क्या है उसे कैसे करते, जैसे इसकी पावर दे दी सिक्सटी सेवन का इकाई कांग पूछा, ठीक है पूछा है, क्या कह रहा है वो, पंद्रह सत्तर का सिक्सटी सेवन, अगर घात दो होती तो अपन दो बार गुणा कर लेते, तीन होती तीन बार गुणा कर लेते। अब पंद्रह सत्तर को अपन सिक्सटी सेवन वाले की गुणा थोड़ी ना कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, इसका नियम, जो पावर है उसमें अपन को क्या करना, चार का भाग देना, पर चार का ही क्यों देना, क्योंकि अपन को पता है चार के बाद ही संख्या रिपीट होती है, किसी की पावर है चार है तो नेक्स्ट स्टेज पे वो पांचवी पावर क्या हो जाएगी, वही संख्या फिर से रिपीट हो, इसीलिए अपन इसमें क्या देंगे, चार का भाग देंगे, भाग देंगे सड़सठ में, कितनी बार जाएगी, चार एकम चार, दो बचे चार नाम सत्ताईस, ठीक है, पूरी बार से कम देना, मतलब जितनी बार जा रहा है उतना देना, शेष बचाना अपन को, ठीक है, चार एकम चार, दो बचा चार नाम, चार एकम चार, अपन एक बार दिए कितना बचा, दो सत्ताईस हो गया, तो कितनी बार जाएगा, चार छह चौबीस, सात बार ज्यादा हो जाएगा, छह बार देंगे, सोलह बार अपना पूरा पूरा गया, पर इससे अपन को कोई मतलब नहीं, शेष अपना कितना बचा था, तीन, शेष अपना कितना बचा था, तीन, साइड में देख के देख लेते हैं, चार एकम चार, दो बचे चार छह चौबीस, तीन बचे, तीन क्या बचा अपना, शेष, अपन को जो शेष संख्या बच रही है उसी को इसकी अपन पावर लिख देंगे, क्या कर देंगे इसको, पंद्रह सत्तर की पावर तीन, ठीक है लिख देंगे, और इसमें क्या है इकाई अंक क्या है जीरो, तो इसको सिर्फ जीरो की पावर तीन करना है, पूरी संख्या की पावर तीन ना करें क्या करना, जीरो की पावर तीन क्या रहेगी, जीरो, अपन को इकाई अंक मिल जाएगा जीरो, ठीक है, कैसे किया, अगर कोई पावर ज्यादा दिए तो उसमें सबसे पहले अपन चार का भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसी संख्या की घात लिख देंगे, और उस घात को क्या करेंगे, उसके इकाई के अंक घात करेंगे, यहाँ एक होता तो एक की घात तीन करते, दो होता है दो की घात तीन करते, यहाँ जीरो है तो जीरो की घात तीन क्या आएगा, जीरो, ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इकाई के संबंधित और कोई क्वेश्चन करेंगे, तथा आप भी लगाने का प्रयास करें, जो क्वेश्चन आपको ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।